पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस ने एक 12 वर्षीय लड़की को ढूंढ निकाला है और उसे नियमित कार्रवाई करते हुए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। मामले की पुष्टि डीएसपी तिलक राज ने की है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना ज्वालामुखी में लड़की के मामा निवासी दरौली घलोर में गत दिवस शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी भांजी उम्र 12 साल जो उसके घर दरौली से लापता हो गई थी। लड़की के मामा ने उसे सभी जगह ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला और कई जगह फोन कर भी सूचना ली पर कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने मामा के बयान पर किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस टीम ने डीएसपी के निर्देशों के अनुसार रिश्तेदारों की डिटेल बनाकर संपर्क किया और उन्हें सफलता मिल गई। लड़की को पुलिस ने ज्वालामुखी में ही उसके एक रिश्तेदार के यहां से बरामद की। पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज कर और अन्य कार्रवाई करते हुए लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पिछले कल थाना ज्वालामुखी में एक व्यक्ति एक एप्लीकेशन लेके आया कि उसकी भांजी 28 तारीख से गुम है और वो मिली नहीं है। उसकी शिकायत पर हमने मामला दर्ज कर लिया और उसकी लड़की की वो तलाश शुरू करेगी कि वो ज्वालामुखी में अपने रिश्तेदार के घर में मिल गई है और इसी के अनुसार आगामी कार्रवाई जो केस में की जाएगी।